खत्म हुई दया बहन पार्ट 2 की तलाश। प्रोड्यूसर असित मोदी को मिल ही गया दिशा वकानी का रिप्लेसमेंट। पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस करने जा रही है दिशा वकानी को रिप्लेस। फाइनली 5 साल के बाद जेठालाल गढ़ा की जिंदगी में आएगा खुशियों वाला फेज। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। 5 साल का लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है। शो का चहेता किरदार आखिरकार लौट कर आ रहा है। गोकुल धाम में होने जा रही है दया बेन की वापसी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि दया बेन जेठालाल गढ़ा के किरदार में अब दिशा वकानी कभी नजर नहीं आएंगी। शो में दिशा को किया जा रहा है रिप्लेस और अब दया बेन के किरदार में नजर आएगा हम 5 की स्वीटी यानी राखी विजन का फेस। जी हाँ, खबरों के गलियारों में ये चर्चा गर्म है कि शो के प्रोड्यूसर असित मोदी को लंबी तलाश के बाद फाइनली दिशा वकानी का रिप्लेसमेंट मिल गया है। बताया जा रहा है कि दया बेन के रोल में राखी विजन की एंट्री होना लगभग तय है। राखी विजन के साथ शो को लेकर नेगोशिएशन आज फाइनल हो सकता है। बताया जा रहा है कि किरदार के स्क्रीन प्रेजेंस को लेकर राखी और क्रिएटिव टीम के बीच बातचीत जारी है। शो में दया बेन के कैरेक्टर की वापसी के लिए एक खास स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। जाहिर तौर पर राखी की एंट्री काफी ग्रैंड रखी जाएगी। वहीं ऐसी भी खबरें हैं कि राखी अब दया बेन के रोल में अपना पर्सनल टच देना चाहती हैं, ताकि दर्शकों को भी कुछ फ्रेशनेस देखने को मिले। वो दिशा वकानी को हूबहू कॉपी ना कर इस कैरेक्टर को अपने अंदाज में प्रेजेंट करना चाहती हैं। अब ये तो सब जानते हैं कि राखी विजन ने हम 5 सीरियल में स्वीटी माथुर का आइकॉनिक कैरेक्टर प्ले किया था। इस रोल ने राखी के करियर को उड़ान दी थी। हालांकि अब राखी लंबे वक्त के बाद छोटे पर्दे पर वापसी कर रही हैं। राखी विजन बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन की एक्स भाभी हैं। वहीं बात करें तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो की, तो ये सब जानते हैं कि दिशा वकानी ने साल 2017 में शो से मैटरनिटी ब्रेक लिया था। फैंस को लगा था कि दिशा मां बनने के कुछ वक्त बाद ही शो में लौट आएंगी। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया। दिशा के शो में लौटने का इंतजार लंबा होता चला गया। बीच में ऐसी खबरें भी आईं कि दिशा वकानी ने मेकर्स के सामने कुछ शर्तें रखी हैं। दिशा और उनके पति मयूर पड़िया की टर्म्स एंड कंडीशंस की वजह से उनकी वापसी शो में तय नहीं हो पा रही थी। वहीं शो की लॉयल ऑडियंस जल्द से जल्द दया बेन को शो में देखना चाहती है। बीते दिनों ही दिशा वकानी के दूसरी बार माँ बनने की खबरें आई थी, जिसके बाद ये तय हो गया था कि अब दिशा इस शो में वापसी नहीं कर पाएंगी। शो के मेकर्स के साथ साथ दर्शक भी दिशा का इंतजार कर कर के थक चुके हैं। गौर करने वाली बात ये है कि बीते कुछ वक्त में शो के कई पॉपुलर चेहरे इस शो को अलविदा कहकर जा चुके हैं, जिनके जाने से शो की टीआरपी पर भी फर्क पड़ा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि राखी जब दया बेन बनकर गोकुल धाम में वापस आएंगी, तब शो की टीआरपी में भी उछाल लाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।